जी दोस्तों सलामत आदाब नमस्कार। देखिए 10 जनवरी को क्लाइंट इंटरव्यू है। 1977 से कंपनी चल रही है, जब हम आप दुनिया में थे नहीं तभी से इंटरमास कंपनी चल रही है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, इसमें मेरे आदमी बहुत से गए हैं, उनका वीडियो भी दिखाऊंगा आगे। और सेटिंग कारपेंटर, चीफ फिक्सर, फर्नीचर कारपेंटर के ये सैलरी है, प्लस 4 घंटा फिक्स ओवर टाइम है। बस ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। 2 बजे क्लाइंट का फ्लाइट है। ऑफिस का नंबर आप सामने देख रहे हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी फोन कर सकते हैं। दूसरा इंटरव्यू 11 जनवरी को है, जो कि दुबई और सऊदी में कंपनी है, और दोनों में से कहीं भी आपको सेलेक्ट करेगी वहां जाना पड़ेगा। ट्रेड आप देख रहे हैं, टोटल जो है 5 ट्रेड है। और तीसरा इंटरव्यू जो है कतर के लिए चाहिए, इम्कान कंपनी का। टोटल इसमें 9 ट्रेड है दोस्तों। सैलरी आप देख रहे हैं, कतर की जबरदस्त कंपनी ये भी है इम्कान। और दोस्तों वीडियो पहले शेयर करना शुरू करिए, मैं इंडिया आ गया हूं दुबई से ये इंटरव्यू कराने के लिए। चांस मत छोड़िएगा, एकदम मत छोड़िएगा, जान लीजिए, क्योंकि जबरदस्त काम पकड़ के लाया हूं। और जो है आप इंटरव्यू में आएंगे तभी हो पाएगा। सबसे दूसरी बात कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करिए। ये किनारे देखिए तीर जैसा बन के आ रहा है, तीर पे जवा के शेयर करेंगे और वहां पे हाफ फोटो बन के आ रहा होगा। देखिए संदीप मौर्य साहब हमारे शेयर कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु भाई आप भी शेयर करिए। तो आप शेयर करेंगे और कमेंट करके लिखेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा और मैं तुरंत आपसे बात करूंगा। दोस्तों जब तक आप शेयर कर रहे हैं तब तक मैं पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट आपको अच्छे से बता रहा हूं, समझा रहा हूं। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एकदम खलियर बैठा हूं, आपसे बात करूंगा, आपके हर एक सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों नहीं भी बात करना होगा, शेयर करके अपना नाम लिखिएगा ताकि आपका नाम हम आपका जान सके कि आप कौन आप देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आदित्य कुमार आ रहे भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जो है अब मैं जो है आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, जो क्योंकि मैं जो भी काम करता हूं ना पानी की तरह एकदम साफ करता हूं, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूं। इसी कंपनी में आदमी रहा है, ठीक है, आप देखिए। और ये मौका अगर आप छोड़ देते हैं, 10 तारीख को नहीं आते हैं तो दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी 1977 से चल रही है। आप देख लीजिए पूरा का पूरा ये वीडियो। 8 साल इंटरनल लड़का हूँ, जो कारपेंटर से मैं काम करता था। देखिए सर, मैं इंटरमास कंपनी का 8 साल इंटरनल लड़का हूँ, जो कारपेंटर से मैं काम करता था। वो कंपनी बहुत ही अच्छी है और उसी का रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट आया हुआ है। देखिए बीजा उजा जो भी है उसी कंपनी का लगा है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें अभी 5 क्लाइंट आए हुए हैं बाहर से और यहाँ के अभी कुछ स्टाफ है जो आज। और इसका सैलरी तो पूछिए ही मत, इसका सैलरी अपने काम के ऊपर है। और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही डबल हाजिरी भी हो जाता है। देखिए बीजा उनका है, सारा लगा हुआ है, सैलरी है। और खाना पीना भी मेस का है, बनाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, वो भी बिल्कुल आराम से ड्यूटी से आए, आराम करे, वाईफाई चलाए, कैंप में वाईफाई फ्री है। बाकी की इसमें जो भी फैसिलिटीज है, कंबल वगैरह, बेडशीट सब चेंजिंग होते रहता है, और शूज वगैरह, ड्रेस वगैरह सब जब भी आपको जरूरत पड़े उस टाइम में चेंज हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आया था, फिर अभी इसको कंपनी वाले ने बुलाया है और मेरा भी आए हुए 6 महीना हुआ, मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ, इसलिए मेरा इधर के आदमी जाने से डरते हैं। अरे भाई डरने का क्या है, मेहनत करने का, पैसा कमाने का। इंडिया में क्या है, पैसा भी फंस जाता है और मिल नहीं पाता है टाइम से, और बाहर में पैसा कमाओ तुरंत सब हिसाब किताब हो जाता है महीने का महीना। सर मैं इंटरमास कंपनी का, इंटरमास कंपनी में जो कंपनी का इंटरव्यू है दोस्तों, उसी कंपनी का जो है, जिस कंपनी में लड़के ने काम किया इसी कंपनी का इंटरमास है। आप पूछ लीजिएगा किसी से, इंटरमास कैसी कंपनी है, 1977 से सारा एम्प्लॉयमेंट वीजा है। और जरूर से जरूर आप लोग आइए, सटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर चाहिए, 8 घंटे के 1050 सैलरी है, प्लस पर डे 4 घंटा ओवर टाइम है। दूसरी कंपनी के लिए देखिए फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, 1200 से 1300 सैलरी, 8 घंटे का प्लस ओवर टाइम है। ठीक है, इस कंपनी का नाम सुमी स्टार है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप। इंटरव्यू 7 बजे से लगा के 1 बजे दोपहर तक होगा। तो भाई ठंडी भले ही कुछ भी है, अगर आप परिवार की अपना कुछ करना चाहते हैं ना तो बिस्तर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, मेहनत करना पड़ेगा आपको। दूसरा कोई मेहनत नहीं करने आएगा, आपके परिवार को कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ाएगा। जो भी कर सकते हैं आप खुद कर सकते हैं, इस बात को जितना आप जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे, जान लीजिए। दूसरा इंटरव्यू देखिए 11 जनवरी को, ये कंपनी ऐसी है दुबई और सऊदी दोनों जगह में है। तो इसमें भी फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, फर्नीचर स्प्ले पेंटर चाहिए, जिप्सम कारपेंटर चाहिए, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, विदेश रिटर्नर चाहिए, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उम्र 38 साल इसमें चलेगा। तीसरा इंटरव्यू जो है यह कतर के लिए है, ऑयल एंड गैस कंपनी है,
इमकान इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है, ऑयल एंड गैस का है। क्लाइंट इंटरव्यू 12 जनवरी 2024 को चलेगा। ऑफिस का फोन नंबर देख रहे हैं, जिसमें मैकेनिकल सुपरवाइजर, मैकेनिकल फोरमैन, मैकेनिक पाइप फिटर, सैलरी आप सामने लिखा हुआ है, टिक आर्क वेल्डर, सा वेल्डर में जैसा अनुभव रहेगा वैसा रहेगा, पाइप फिटर, रिगर, ब्लास्टर, एयरलेस स्प्रे पेंटर चाहिए दोस्तों। कंपनी ये जो सैलरी देख रहे हैं, इसके बाद रहना खाना सब कुछ फ्री देती है। यह जो सैलरी है सिर्फ 8 घंटे का है, इसके बाद आपका ओवर टाइम है, रहना खाना सब कुछ कंपनी फ्री देती है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है देखिए, कुछ कुछ करता है आदमी तो कुछ पाता है, समझ रहे हैं, बिना मेहनत किए कुछ मिलेगा नहीं। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बात कर ले। कल भी देखिए हमारे जो है क्लाइंट इंटरव्यू है, लेकिन जो साथी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है तो देखिए ठंडी में भी कहां से आए हैं, बैठिए, कहां से आए हैं? सिवान तो नजदीक था, आप आ जाइए आगे। आप लोग का तो हो गया है ना काम, ऑफर लेटर आया था कि भेजा है? ठीक है, आजे आजे आजे, ऑफर लेटर आपका आया, बैठ जाइए। लोग आप लोग तो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं ना, कहाँ से आए हैं? मलमलिया। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ है? नेपाल बॉर्डर के साइड। आपका हो गया क्लियर? क्या बोला है? बंद करिए दरवाजा। कल सुबह 12 बजे से पहले बुलाया देने के लिए। देने के लिए ना, मेडिकल का पैसा भी देगा ना, मेडिकल का पैसा भी। ध्यान दीजिएगा, फर्जीवाड़ा में नहीं फंसना है। फर्जीवाड़ा कोई हमारे पास आपके पास फोन करे कहेगा हम तुम्हारे पापा बोल रहे हैं तो आप मान जाएंगे हमारे पापा हैं? मानेंगे? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? नंबर होगा उनका, फोन नंबर, उनसे फोन करके पूछेंगे पापा नंबर तू ही फोन कर ले रहा है। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? आप इनके पास कोई फोन किया? आई जो है 2500 रुपया भी डरा गए, या जो है पासपोर्ट भी अपना जमा कर दिए, तो हमारे बार नहीं मदद करेंगे? गलती तो आपकी है कि किसी ने आपको फोन करके परफेक्ट ग्रुप का नाम बता दिया, जो मर्जी हो आपने कर दिया। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कहेंगे भाई तुम ये सब करने से पहले क्यों नहीं आए? गलत बोला सही बोला? क्योंकि आपसे जरूरी ये लोग हैं, इन लोगों का मुझे काम कराना है, मेरे पास इतना नहीं टाइम है कि आपके पीछे कहां ऑफिस में जमा किए क्या नहीं किए उसका मैं पता लगाऊं। मैं आपके पीछे पड़ूंगे सारे लोग का काम नहीं हो पाएगा। होगा? हो। ऑफिस का नंबर है, आपको फोन करने में पता करने में इतना दिक्कत हो रहा है। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? बस एक फोन ही करना है सर, इस नंबर से फोन आया था और अगला आदमी हमको ऐसा ऐसा बोल रहा है, तुरंत आपको रिप्लाई मिल लगा कि नहीं ये फर्जी है। तो छोड़ा जा, तो उन्होंने बैठा यार, लेकिन ऐसा नहीं, इतना बुर्बक आदमी हर इंजीनियर लुटा जाएगा। लुटाएगा कि नहीं लुटाएगा? जब इंडिया के अंदर लुटा जा रहा है तो विदेश का तो बतिए छोड़ो। तनख्वाह एटीएम से निकाल के लेबे कब तो फला रिजार्ट भेजने है तो पैसा गलत का देख सही कबल लो। तो अपने आप को होशियार बनाइए, दूसरे भरोसे मत रहिए। हाँ, अपना भी आदमी पैसे की बात कहीं आती है तो उसको चेक करिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, गलत नहीं हो आई फोन पे लोग एकदम तो हम विदेश ना भेज पाई ना इंटरव्यू दे दे कहा से इतना बुर्बक आदमी जाई विदेश हमारो नाम खराब कर दी। करी की ना करी हो जी, अपन पैसा का रक्षा ना कर पावता। नहीं गलती हुई है सचिन भाई, इधर आइए, पासपोर्ट भी ले जाके सुनिए, ये भी पासपोर्ट हमारे ऑफिस में कहीं और ले जाके ऑफिस में जमा किए हैं, उनको लग रहा परफेक्ट ग्रुप में मेरा लग गया। बताइए आई वो भी ऑफिस में हमारे पहले आए थे, पहले ऑफिस में आए थे तभी भी अगला बुला रहा है कि नहीं दूसरे ऑफिस में आ जाओ, परफेक्ट ग्रुप के एक और ऑफिस है, वहां गए तो बोर्ड कुछ देखे नहीं देखे तो आदमी जो बोल दिया वो मान गए, इन लोग को इंटरव्यू नहीं दिलाना है। और इतना बुर्बक कोई आदमी आता है जो अपनी पैसे का अपने टाइम का जो है इज्जत ना करे, ऐसे लोग किसी काबिल नहीं है, ये मान लीजिए। आप जाइए, आप लोग देखिए इन लोगों का क्या सामान है, उनको चार कल बोला है, अब रात की रुकल बांटे पता चल कुछ हिरवाई दिया नहीं अपन, नहीं ऐसे आदमी क्या भर सक कहो मौके ना भैया मोबाइल हमारे गायब हो गए तो कौन झेलेगा ऐसे आदमी को। जाइए आप लोग बाहर बैठिए। आप कहाँ से आए हैं? मलबलिया। आप लेकिन ये भाई आपका चेहरा हमको याद हो गया, क्यों याद हो गया ये बताइए, क्या नाम है आपका? इलेक्ट्रीशियन। नाम देखा, यही नूरुद्दीन भाई दिक्कत है, क्लाइंट पूछता होगा बताओ यही जाकर पूछा तो कौन दूसरे बात में बतिया होते हैं, पूछे नहीं क्या नाम है कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, दिमाग में बस घुसा था खाली इलेक्ट्रीशियन में। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए, आप लेवल में कितना इंटरव्यू दे चुके होंगे?
तीन चार तो दे ही चुके हैं, याद भी नहीं होगा कितना दिए हैं। दो में हो गया था उसमें मान लो। मेरी बात ध्यान सुनिए, सारे क्लाइंट गड़बड़ नहीं होंगे, गलत आप चार जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, चारों जगह सेलेक्ट नहीं हो रहे तो कमी अपनी है। हम क्या करेंगे, अपने कमी को बाबू सुधारेंगे। गलत बोला सही बोला, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। हम जब दूसरे के अंदर कमी निकालेंगे, भाई साला क्लाइंट वा चुतिया रहल भाई, कितना बढ़िया बात नहीं ले बनेगा, तो ओकर क्लाइंट की बुराई हुई कुछ कहले से, आपन बुराई हुई ना। इसलिए दुनिया में कोई आपका बुराई करे तो ये जान जाइए कि आप बहुत आगे हैं उससे। गलत बोला सही बोला वो, अगर आप किसी का बुराई फालतू कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि वो बुरा नहीं है, बुरा आप है, आपके अंदर कमी है कि आपके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, आप दूसरे के पीछे झुट्टे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उतना टाइम अपने काम को सीखने में, अपने परिवार में देंगे, पिताजी का भी थोड़ा सा सेवा करेंगे तो वो भी कहेंगे हाँ भाई लड़का हमारा सही है, काम करने वाला है, भले ही काम ना हो थोड़ा पिताजी का पैर ही दबा दिए, उतने गजगारी है लड़का लायक, बात चुगलाई करने से कोई खुश होगा, कोई नहीं खुश होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मैं आप लोग इसलिए बुलाया हूँ, बहुत से साथी वीडियो देखते हैं, आप कहा तो मैं ठंडी वाइब ना, तो लोग ना ठंडी लगाता जज्बा है जाने का जाने का नहीं, कुछ करने का, ऐसा कुछ करें कि हमारे परिवार के लोग भी याद करें। हम लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं कि हम जो है थोड़ा सा कमजोर फैमिली में जन्मे हैं, हमको मौका मिला अपने परिवार को कुछ करने के लिए। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? नहीं, कहने के लिए हम भी कह सकते हैं, परिवार अमीर घर में पैदा भले तब हम कुछ कह ले रहते हैं, गलत कहते सही कहते, लेकिन ऐसा कुछ करिए आने वाले आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे आपका इज्जत करें कि हमारे चाचा भैया हमारे पिताजी इतना मेहनत किए कि आज हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ सके हैं और अच्छे अच्छे जगहों पे जा सके हैं। क्योंकि आदमी कब बढ़ेगा, जब अच्छा उसका शिक्षा दिया जाएगा, उसको पढ़ाई दिया जाएगा, माहौल दिया जाएगा। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? वो कौन देगा, वो आप देंगे, समझ रहे हैं? जब आप खून पसीने की कमाई से भेजेंगे ना, तो आपका बच्चा आपकी फैमिली थोड़ा आधे रोटी खाएंगे उसमें पेट भर जाएगा, समझ रहे हैं नहीं? और विदेश में देखिए आप लोग का इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन भी होगा, वहां बहुत बाबू मेहनत करना है। कोई है इसमें रिटर्नर? आप रिटर्नर कहाँ तू? मैं दुबई से रिटर्नर हूँ। कौन कंपनी में थे आप? दुबई में इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन अबू धाबी में। कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत करना, 40-45 को वहाँ पर ताप पड़ता है गर्मी का। और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि मैं जाए विदेश पैसा छापना शुरू, पेड़ लगा हुआ तोड़ के बोरा भर के घर भेजते हैं। इतना मेहनत करता है आदमी, रियली मैं बताऊं कि इतना यार इंडिया में कहीं नहीं करेगा, था कहीं करेगा इंडिया में नहीं करेगा, समझ रहे नहीं? तो जो भी साथी हैं ये जाने के वहां पे जाना है तो मेहनत करना है, और वहां पर भी आदमी आगे बढ़ते हैं, अगर वहां पर भी काम करते हैं, काम सीखते हैं, तो आप सर्जन बनेंगे, फोरमैन होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन कब, जब आप सीखने की जज्बा रखेंगे तब। बहुत से लोग हैं सही डूब जाते हैं लाइटिंग करने के बहाने, बाथरूम करने के बहाने, खाली टाइम पास करते हैं, दो घंटे तक बाथरूम में फंस जाते हैं, वो कभी कुछ काम सीख पाएगा? आदमी जब मेहनत करता है ना, तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले भी देते हैं, कंपनी दे चाहे ना दे, आगे का रास्ता बनाती है, ऊपर के फोरमैन इंजीनियर के दिल के अंदर जो है जगह बनाता है ऊपर वाला कि ये आदमी इतना मेहनत करता है, ये काम भी मालूम लाओ इसको, थोड़ा सा कुछ आगे किया जाए। क्योंकि हर एक इंसान, आप हो हम हो कोई भी हो, किसका इज्जत करता है? काम का। अपना मोबाइल निकालेंगे ना तो आप भी नंबर निकालेंगे, तो फला मिस्त्री, फला दुकान का नाम, फला इलेक्ट्रीशियन, फला प्लम्बर से लिखे होंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यह जरूरत है प्लम्बर वक्त फोन करेगा ही तो डायरेक्ट फोन के लिए नाम कुछ छू रहे। तो इस चीज को जितना जल्दी हम पहचानेंगे, आगे रजाई उजाई आ गया, ठीक है आ जाइए अंदर, बिछाई छे आराम से, आराम करिए। हम भी देखिए दुबई से आज ही आए हैं, ठीक है, इसीलिए आए हैं कि आप लोग का इंटरव्यू मैं अच्छे तरीके से करा सकूं, फिर दोबारा हमको जाना भी है, लेकिन मैं आया हूं कि ताकि आप लोग जो भी आदमी आए अच्छे से करा सको। मैं आपके जगह काम नहीं कर सकता हूँ, और ना ही आप लोग एक दिन में काम सीख सकते हैं। बहुत से साथी ऐसे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, देख गए ना, चलो स्टील फिक्सर के बाद इलेक्ट्रीशियन के बाद फार्म भरा जाता, काम कुछ मालूम में नहीं हो, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हाँ आप भाई भैया तो अकाउंटेंट है, हेल्पर का है, लेकिन हेल्पर भी बहुत मेहनत का है, ये मत सोचिए सबसे ज्यादा। हाँ अभी मैं कंपनी में गया था, सुने 15-20 किलो का ब्लॉक उठाकर देना पड़ता है, देना पड़ता है। मैं एक कंपनी में गया था, मेरा ही
फोन किया भैया बहुत दिक्कत है, आप तो फंसा दिए हमको। गए सुनिए, मैं गया कंपनी में, कंपनी में जब मैं गया तो ना स्टील फिक्सर को दिक्कत है, ना मेसन को दिक्कत है, ना इलेक्ट्रीशियन को दिक्कत है, दिक्कत किसको है? हेल्पर। हम बुलाए हमके बाबू क्या दिक्कत है बताओ, सॉल्व करेंगे। तो साहब बड़ी मेहनत करावाता। तो फिर गए किस लिए थे? सुने तो हम कहने यार तुम मेहनत ही करने के लिए तभी तो पैसा देगा। कहा था नहीं भैया वहां तो जो है वजन हम 20-25 किलो उठाए थे, लेकिन यहाँ पे वजन 50 किलो उठा रहे हैं। कितना उठा रहे हैं? 50 किलो। हमने कहा बाबू 50 किलो रखा उठाओ, उठ ही नहीं रहा उससे, उठा ही नहीं पा रहा। हम कहे यार तुम बताओ झूठ बोल रहे हो। हेल्पर का कहने का ही मतलब है, देखिए अभी मैं सुना कि कोई बगल में काम भी कर रहे हैं, हेल्पर के लिए आए थे। नहीं मिस्त्री में मैं ही काम कर रहा हूँ। क्या ट्रेड है आपका? मेरा मेसन का ट्रेड है। मेसन का बताइए, जो यहाँ पे काम कर लेगा ना वो सक्सेस है ना? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आप यहाँ हेल्पर का लेबर का काम किए हैं? अब मालूम नहीं कई बार नहीं कई बार मालूम नहीं। अब आदमी बोल रहा कैसे कोई विश्वास कर ले, लेकिन वहां पे करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपको कोई नहीं बचाएगा। कितने बहाना मार के सूझ जाते हैं, अब कोई चांस नहीं। 6 बजे जाओ रात को, फिर 7-8 बजे 9 बजे रात में। समझ रहे हैं? नहीं देखिए, मैं रियल में ऐसा कोई ऑफिस वाला नहीं बताता है, इतना कोई बताता है? वो तो चाहेगा आदमी ज्यादा से ज्यादा पढ़े हमारे, लेकिन आपको मैं सच्चाई बताता हूँ ताकि कल को वहां पे आप दिक्कत ना करें, कल को ये ना जा कहें कि यार हमारे साथ गलत हो गया। गलत आप खुद अपने साथ किए, आपका शरीर आपका आत्मा जानता है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ठीक है? और लेबर में भी लोग आदमी आगे बढ़ते हैं, कोई ड्राइवर हो जाता है, कोई ऑपरेटर हो जाता है, लेकिन कब? जब वो खुद मेहनत करके उस काबिल बनता है तब। समझ रहे हैं? नहीं आप मान लीजिए आप हैं मेसन के साथ ड्यूटी लग गया, तो आपका फर्ज बनता है कि थोड़ा थोड़ा सीखें। अगर 2-3 महीना भी टाइम दे देंगे दिल से काम सीखेंगे ना तो मास्टर बन जाएंगे भैया कोई लेकिन सीखने पर जब ध्यान देंगे तब नहीं तो ये टाइम पास करनी है। हाँ। मसाला बनाने में 2 घंटा पार के देने, कहानी हो गई खत्म, बस जाकर कभी काम सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। एक महीना काम करिए और अगले महीने बोले मिस्त्री साहब एक अमूर जोड़ के देखिए। गलत कर सही कर, जब ये जज्बा है तो आप हेल्पर में जाइए। हाँ कुछ सीखने का कुछ करने का। अभी जन गई ना कहना ऐसा भैया, हम तो ये सोच के आई लनी कि यहाँ गाड़ी चलावे के सीख। हाँ आके में गई बाटे लेबर में। हाँ यहाँ गाड़ी चला भी नहीं देती है कंपनी, लेबर को देगा गाड़ी चलाने के लिए? भाई कहा था तू हमको फंसा दिया वाला, बताओ लेबर बहनी। हम ये सोच रहे कि यहाँ कंपनियां जाई अतन चिरोरी बिनती करब कि वहाँ गाड़ी चलावत रहनी है, बोलोरो लाइसेंस नहीं बल लेकिन हमें चलावे का मौका दो, हम चलाए दी। हम हंसने लगे उन लोगों की बात सुन के, समझ रहे हैं? नहीं हंसने लगे। आप अभी हंस रहे हैं मेरे भाई, लेकिन वहां जाएंगे आप काम करना है। आप सोचिए अगर कोई आपके अंडर एक लेबर हो, एक मिस्त्री हो, एक इलेक्ट्रीशियन हो, आपको सिर्फ एक दिन का दिहाड़ी देना है 400-500, उस सुर्तियों बनाने तब तो मुंह से गाड़ी निकली। कहा निकली? सुर्तियों बनावता पिसाब, कितना सुर्ती कितना पिसाब कर जाता होगा कि नहीं? वो तो आपको कंपनी हर एक महीने सैलरी देगी आपको, समझ रहे हैं? नहीं हर एक महीने आपको सैलरी देगी। सोचिए काम से पीछे नहीं हट सकते आप, अगर आप काम चोर किस्म के हैं, नहीं कभी काम किए हैं। बहुत लोग सोचते हैं चला बन लो घर कुछ ना के लिए बाटी जाए विदेश जो नही देख ले। वही लोग विदेश में जाकर बोल रहा था, मतलब वो जो है वहाँ पे मिला बस अड्डे पे, उसने बोला घर पे मैं तो गिलास इधर से उधर नहीं ले गया तो इधर कैसे करूँ? अच्छा विदेश आपके कंपनी में? हाँ जी, तो उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसका नुकसान होगा? वो कभी अपना कमी बताएगा तो कहेगा ऑफिस वाला फंसा दिया हमको। अपना कमी कहे ऑफिस वाला? एक ही बंदा टीका था, वो बुढ़ा था सर। हाँ। वो अपना गहना वहना बेच के गया था, वो भी मेहनती था, वो टिक गया था। जो मेहनती आदमी है, मैं अभी बता रहा हूँ, जो मेहनत किया हुआ आदमी वो विदेश आराम से रहेगा, नहीं तो जो घर पे रियल में 10-10 बजे तक सोवा है, घर का अपने काम तक नहीं किया, बाबूजी कोई काम बोले हो तू नहीं कुदाल थमा दिया जा तू कौन कोड़ा हम नहीं खेते कौन कोड़ा, वो हर एक जगह फेल है। वो विदेश जाए जहां मर्जी हो जाए वो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पूरा खराब कर चुका है, अपने शरीर को पूरा खराब कर चुका है। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? जिसका आदत है खा के पड़े रहे जो बोल रहा कोई असर नहीं होगा,
तो अपना शरीर नुकसान कर रहा है ना, शरीर कैसा है, हम ही है ना, काम करने तो एकदम सुस्त पड़ जाएगा, एक बैग लोड पड़ेगा तो हमारा शरीर सिलेंडर बोल देगा, हम नहीं करेंगे। गलत बोले सही बोल रहे हैं, इस चीजों को याद करना है। हमको बहुत खुशी हुआ रियल में कि आप यहाँ पर भी जाके कुछ मिला कि नहीं। नहीं, दो दिन काम किया, एक दिन तो आधा दिन काम किए थे, 2 बजे से लेकर 5 बजे। पैसा देगा ना? हाँ, पैसा दिया 4 बजे, आज भी पैसा दे दिया। कितना दिया? आज दिया 700। कल कितना दिया था? 400। 7×4 कितना हो गया? 1100। तुलन कितना कमाई लो? इंटरव्यू भी मानने के लिए आए हैं, अब बगल में काम भी चल रहा था, वो इनको खोजने नहीं आया, ये खुद जाके बोले भैया मिस्त्री ने चेक किया होगा, रख लिया। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? तो काम करने वाला आदमी रियल में बताएं, उसके लिए पैसा उड़ रहा है, चारों तरफ उड़ रहा है, हर एक जगह उड़ रहा है, हर एक कोने कोने उड़ रहा है, समझ रहे कि नहीं? जो काम करने वाला आदमी, बस उसको पकड़ना है। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? आपने देखा काम चल रहा है, भाई काम करते हैं, तुरंत अगले ने पैसा दे दिया। 1100 कम होता है, एक दिन का 700 कम होता है, कम होता है बताइए। हम 5 तारीख को आए थे, 6 तारीख इंटरव्यू था, वैकेंसी हो गया, हम ट्रेन पे आए थे, मैं बोला सर को 2 दिन मेरे को लगेगा जाने में, फिर 2 दिन लगेगा आने में, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कल भी आप काम करिएगा, सुनिए, कल भी काम करिएगा, जब आप बोलेंगे 10 मिनट के लिए ला के इंटरव्यू करा के फिर चले, समझ रहे हैं? नहीं, कल आपको दिहाड़ी पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। नहीं तो आज हम बोल भी दिए थे, मेरा कल इंटरव्यू बोला कि टेंशन मत लो, हम सदाम भाई को बोल देंगे, वो 10 मिनट के लिए काम करवा। नहीं नहीं, आप सुबह जो भी है सुबह 10 मिनट पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि हमको मेहनत का पैसा चाहिए, कोई हमारे ऊपर जो है एहसान करके वो करके नहीं पैसा चाहिए। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हम आधे घंटे के लिए जाएंगे भैया, आधे घंटे पहले हम आ गए हैं, आधे घंटे ज्यादा लगेगा शाम के टाइम, आधा घंटा तुम्हारा ज्यादा हम कर देंगे, ताकि वो आदमी भी याद करे कि यार फला एक आदमी आया था, वो एकदम चिरौरी करेगा, भैया बस तू रुक जा, मत जा कर रहे, गलत कर सही कहेंगे, रहने खाने का भी दिक्कत, कही भैया सब दे, हम वो बोल रहा है सारा चीज के बंदोबस्त क्यों, आपके लिए नहीं, आपके काम के लिए। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही कहता हूँ, आप अपने आप को पहचानिए कि आप कुछ नहीं है। बहुत लोग, हमारे दादा आई रहना, हमारे पापा आई करते रहना, तू का करते हो? आज दुनिया आपके दादा बाबा को याद कर रहा है उनके काम की वजह से, उनके नाम की वजह से नहीं। जब काम करेंगे तो नाम अपने आप होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज को जितना जल्दी बैठाएंगे उतना बेहतर है, ठीक है? आप लोग बैठ जाइए, फिर आते हैं, हा? खाना का देख लीजिएगा, उधर है, बनाना होगा बना लीजिएगा, नहीं तो जो है कुवैत से हमारे देख रहे हैं हिमांशु भाई और जो है आतिफ भाई, माफी चाहते हैं दोस्त, हमारे दोस्त आए थे, मैं सोचा आप लोगों से भी मिलवा दूं और जो है इन लोगों से भी थोड़ा बात कर लूं। बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं, जो भी साथी बात करना चाहते हैं एक बार वीडियो को शेयर करिए ताकि हम बात कर सकें आपसे, कोई ने शेयर किए हैं एक बार वीडियो को शेयर करिए ताकि हम बात कर सकें आपसे। का है महाराज, शेयर शेयर ही नहीं, एक बार शेयर दबाइए, जानकारी और लोगों तक पहुंचे मेरे भाई। हम बस यही चाहते हैं, जो भी हमने अपनी जिंदगी से सीखा है, जो भी अभी तक समझ पाया हूं, बिना किसी को तकलीफ किए हुए, बिना कुछ किए हुए, अगर अभी तक बातों पर अमल कर लेता ना, बहुत आगे जाएगा यार, बहुत ही आगे जाएगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दोबारा मैं रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूं आपका, ये देखिए इंटरमास कंपनी है जो कि दुबई में 1977 से, आप सोच लीजिए जब हम आप नहीं थे तब से है, बेहतरीन कंपनी है और इसमें स्टेट का सैलरी है, बाकी ये कंपनी ये है जो 11 तारीख को सैलरी है और ये जो है 12 जनवरी की सैलरी है दोस्तों। तो आप जरूर से जरूर आइए, मैं आपके साथ हूं, आ गया हूं, ठीक है? आप जो भी हो सकता है बेहतर से बेहतर किया जाएगा, इंतजार है मुझे, आप जरूर ऑफिस में आए। एड्रेस के लिए सिर्फ यूट्यूब पे डाल देंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस या पता, या इसी में देखिए मैंने लिंक डाला उसको क्लिक कर देंगे तो आप सीधे मेरे ऑफिस पे आ जाएंगे दोस्तों।